Hello everyone, in this video we will learn what is subscription and what is the treatment of subscription in the preparation of final accounts of an NPO. ठीक है, तो subscription होता क्या है, पहले तो ये समझिए subscription होता क्या है. It is the amount paid by the members. अब आपको पता है कुछ लोग initiative लेते हैं, initiative लेकर एक NPO को start करते हैं, उन्हें members बोला जाता है. तो मेंबर्स एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं पीरियडिकली. पीरियडिकली का मतलब है ये अमाउंट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है. ठीक है, कि मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो एवरी मंथ इतना पे करेंगे. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि एवरी क्वार्टर इतना पे करेंगे. मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हाफ ईयरली इतना पे करेंगे. मेंबर्स ने डिसाइड किया कि एवरी ईयर वो इतना पे करेंगे. ठीक है, सो डैट उनकी जो मेंबरशिप है वो अलाइव रहे. दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर NPO. अब उनको पैसा मिल रहा है मेंबर्स से रेगुलरली, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इनकम. NPO के लिए एक तरीके से ये इनकम होती है. ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव वेदर इज इट ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. आपको पता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं वो बनता है कैश बेसिस पर. अब देखिए कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जिन्होंने पिछले साल का कोई पेंडिंग पैसा, पिछले साल नहीं दिए थी सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का पेंडिंग चल रहा है पैसा, उन्होंने इस साल दिया. और कुछ ऐसे मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आने वाले कमिंग ईयर का पैसा इसी साल दे देंगे, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा पहले ही मिल गया हमें. तो हमें टोटल कितना पैसा मिला सब्सक्रिप्शंस के नाम से वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होता है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनता है. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर whether received or not are shown in the credit side of income and expenditure account. अब जैसे कि आपको पता है income and expenditure account accrual basis पर बनता है. income and expenditure account accrual basis पर बनता है. accrual basis का मतलब है जो इस साल का है, जो इस साल की income है, चाहे हमें वो मिली है या नहीं मिली, इस साल के जो expenses हैं चाहे हमने pay किए हैं या नहीं pay किए, वो हमने show करने हैं. तो उसी तरीके से जो सब्सक्रिप्शंस हैं, जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है, जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो हमें मिली है या नहीं मिली, हमें वो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करनी है. तो इस साल की जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है, जो करंट ईयर की जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है जो होनी चाहिए, चाहे हमें वो मिली है नहीं मिली, जो भी इस साल की सब्सक्रिप्शन बनती है वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करनी है. अब जो सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिली, ड्यू होगी बट नॉट रिसीव्ड, ऐसे सब्सक्रिप्शन को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं, बिकॉज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ये हमारी एसेट है. यहाँ पर एक्चुअली एक्रूड वर्ड यूज होना चाहिए था, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन हम यहाँ पे शुरू से ही आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट है, क्योंकि ये आपकी इनकम है जो आपकी ड्यू हो गई लेकिन आपको नहीं मिली. वो हम मतलब बुक्स के अंदर शुरू से ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन है. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन है जो ड्यू हो गई लेकिन आपको नहीं मिली, इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे. और जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल गई है, मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा इसी साल मिल गया, उसे आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करोगे. ठीक है, और जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, जो एक्चुअली जो इस साल की सब्सक्रिप्शन बनती है, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे. अब ये जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लिखनी है, जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, वो हमने कैलकुलेट अगर करनी हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं. क्या फॉर्मूला है, देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिली. अब जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली इसके अंदर पिछले साल का पैसा इंक्लूड हो सकता है, आने वाले साल का पैसा इंक्लूड हो सकता है, तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो हम यहाँ लिख देंगे. उसमें दो चीज़ें प्लस करेंगे, दो चीज़ें माइनस करेंगे. कौन सी दो चीज़ें प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के आखिर में जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी.
ठीक है, वो इस साल की आउटस्टैंडिंग थी ना, इस साल की जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब समझ लीजिए हम ये जो बना रहे हैं सब बना रहे हैं 2020 एंड 2021 के लिए बना रहे हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कौन सी होगी, जो 31 मार्च 2021 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इस साल की सब्सक्रिप्शन जो हमें नहीं मिली वो प्लस कर देंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल 2020 को जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिली थी वो प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, कि पिछले साल हमें एडवांस पैसा मिला था करंट ईयर के लिए, तो वो करंट ईयर का पैसा है ना, इसलिए उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली ये चीज़ याद रखिए, कौन सी दो चीज़ें आपने प्लस करनी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड एडवांस एट द बिगनिंग वाले को प्लस करना है। उसके अपोजिट अब दो चीज़ों को माइनस करना है। कौन सी दो चीज़ों को आपने माइनस करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग वाली आउटस्टैंडिंग है, जो 1 अप्रैल 2020 को जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पैसा है जो हमें इस साल मिला होगा। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर देंगे, एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, और 31 मार्च 2021 को जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है, जो इस साल हमें एडवांस पैसा मिला आने वाले साल के लिए, वो भी माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आने वाले साल का पैसा है इसलिए उसको माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें देखिए, आपने कौन सी दो चीज़ें माइनस करनी है, एडवांस एट द बिगनिंग एंड सॉरी एडवांस एट द एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। ठीक है जी, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना सकते हैं, सो प्लीज़ ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, इस साल की कितनी सब्सक्रिप्शन है जो हमने फाइनल अकाउंट्स में शो करनी है। तो सब्सक्रिप्शन के नाम से आपको 1 लाख रुपीज मिल रहे हैं। आपको उसके बाद दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2020 मतलब 1 अप्रैल 2020 एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 20,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 40,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर हमें प्लस करनी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमने माइनस करनी है। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखी है, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस को क्या करना है प्लस, क्लोजिंग एडवांस को करना है माइनस। ओपनिंग एडवांस को प्लस क्यों करना है, पिछले साल एडवांस मिला इस साल के लिए तो इसलिए प्लस करना है। क्लोजिंग एडवांस को माइनस क्यों करना है, इस साल एडवांस मिल रहा है आने वाले साल के लिए, वो इस साल का नहीं है। तो अल्टीमेटली आप देखिए दोबारा से, यहाँ पर आपको कौन सी दो चीज़ें प्लस करनी होती हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस, जो मैं प्लस में राइट करके लिख रही हूँ, और कौन सी दो चीज़ें माइनस करनी होती हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, इन सबको प्लस माइनस किया, यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन जो इस साल की बन रही है 1,30,000। ठीक है जी, इसको हम इनकम एंड, जो सब्सक्रिप्शन होती है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इनकम में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस के नाम से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, डेबिट एंड क्रेडिट इसको हम लिखेंगे इनकम साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से। अब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए, यहाँ पर हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना लिया है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दी, ठीक है जी, 40,000 एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन हमें मिली है वो लायबिलिटी साइड पर 20,000। एडवांस में पैसा मिल गया, ठीक है, अभी मंगवाया नहीं था, तो क्लोजिंग एडवांस कितना है हमारा 20,000, लायबिलिटी साइड लिख दिया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 40,000, उसे एसेट साइड लिख दिया। बेटा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये आपने नहीं करना। बेटा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ट्रीटमेंट के दो तीन तरीके से ट्रीटमेंट करनी है, तो मैं आपको दोनों तीनों तरीके से ट्रीटमेंट सिखाऊंगी। ये अभी हमने ट्रीटमेंट सीखी है जब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी हो, ये फर्स्ट केस है एक तरीके से, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी हो कि आपको सब्सक्रिप्शन का टोटल कितना पैसा मिल रहा है, और क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दे रखी हो, क्या दे रखी हो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस विद डेट, विद डेट का मतलब है कि पर्टिकुलर डेट को, एज एट
डेट के साथ दे रखी हो, एज एट इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग था, इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग था, इस डेट को इतना एडवांस था, इस डेट को इतना एडवांस था, तब हम ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है। हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा। दो या तीन सिचुएशन हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी थी, सब्सक्रिप्शंस होती क्या है, समझ लीजिए हमारे जो भी एनजीओस में 140 मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम एवरी मंथ 200 रुपीज़ देंगे, तो 140 इंटू 200 रुपीज़ बने, ठीक है, एक मंथ की सब्सक्रिप्शन, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन 336,000 होनी चाहिए। अगर अब ये 336,000 जो होनी चाहिए, इसे हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए एक साल की, उसे हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। अगर हमें नहीं दे रखी तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैसे, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी होगी, उसमें दो चीज़ें प्लस करनी है, दो चीज़ें माइनस करनी है। कौन सी दो चीज़ें प्लस करनी है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगनिंग, क्योंकि वो करंट ईयर के हैं। दो चीज़ें माइनस करनी है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड, क्योंकि वो इस साल के नहीं है। जो आपका अमाउंट आंसर आएगा वो होगा जो सब्सक्रिप्शन आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। तो बैक साइड के क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड। हमें कैलकुलेट करनी है कितनी सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या क्या दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2020 को एरियर्स, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है 50,000, ओपनिंग एडवांस दे रखी है 30,000। उसके बाद 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग एरियर्स, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है 25,000, क्लोजिंग एडवांस दे रखी है 50,000, और हमें सब्सक्रिप्शन मिल कितनी रही है ड्यूरिंग द ईयर? 3 लाख, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स। ये जो सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स दे रखी है, इसका हमने कुछ नहीं करना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हमें जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने के लिए, हमें 5 चीज़ें चाहिए। 5 कौन सी चीज़ें चाहिए? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और तो डेट वाइज बता रही हूँ, डेट वाइज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, डेट वाइज ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है जी। अब ये जो सब्सक्रिप्शन इन स्टिल इन एरियाज दिया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो 5 चीज़ें आपको चाहिए आपके पास है, ये डेट वाइज होनी चाहिए। डेट वाइज अगर ये नहीं है तो ये सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियाज यूज़ में आएगी। वो कैसे आएगी हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो अभी डेट वाइज आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, डेट वाइज ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है, और कितना सब्सक्रिप्शन मिला वो दिया हुआ है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का छोटा सा एक्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, और इसके क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस 3 लाख, क्लोजिंग एडवांस को प्लस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दिया, ओपनिंग एडवांस को प्लस कर दिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दिया, और क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर दिया। तो आपके पास आपका आंसर आ गया। कौन सी दो चीज़ें प्लस करते हैं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस। कौन सी दो चीज़ें माइनस करते हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस। यू विल गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन। मैंने बीच बीच में से क्वेश्चन करवाए हैं, तो जो आपके ये रेलेवेंट समझ सको, तो जो करवा रही हूँ उस तरीके से समझिए। आप किस तरीके से सब्सक्रिप्शन को शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? बैलेंस शीट्स, इन्होंने बैलेंस शीट्स भी पूछी हैं, दोनों बैलेंस शीट्स बनानी है, 2020 की भी, 2021 की भी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितनी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है? 358,500 ऑन डेट वाइज दे रखिए, ठीक है ना। 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 30,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एडवांस 31 मार्च 2020 ओपनिंग एडवांस कितनी थी? 22,500 एडवांस। सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021 क्लोजिंग एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और 31 मार्च 2021 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसका हमने कुछ नहीं करना। हमें 5 चीज़ें चाहिए, हमें सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हो रही है, और डेट वाइज, ये डेट वाइज मैं प्रेशराइज कर रही हूँ, अगर डेट वाइज चीज़ नहीं दी होती तो ये जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो काम आती है हमारे, ठीक है। लेकिन डेट वाइज जो हमें 4 चीज़ें चाहिए हमें दी हुई हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो देखिए
क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर हमें जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है 358,500 वो लिखेंगे, जो हमारी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर देंगे, जो ओपनिंग एडवांस है वो प्लस कर देंगे, उसके बाद जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग एडवांस है वो माइनस कर देंगे। 375,000 आंसर आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। बैलेंस शीट क्वेश्चन ने बनाने के लिए बोला है, तो बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2020 की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी साइड लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई एसेट साइड लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी साइड लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन, सिंपल। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एसेट साइड, क्लोजिंग एडवांस लायबिलिटी साइड। सो दिस इज क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ द सेम थिंग, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले ये होता है सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर व रिटर्न ऑफ 4,000। ये चीज़ क्या है, मतलब पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस थी उसमें से 4,000 की वो सब्सक्रिप्शन है जो रिटर्न ऑफ हो गई। रिटर्न ऑफ का मतलब है वो दोबारा हमें नहीं मिलेगी, वो मेंबर ने एग्जिस्ट कर लिया हमारी एनपीओ से। तो जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, कितनी थी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, 20,000, इसमें से 4,000 वो सब्सक्रिप्शन है जो ख़त्म हो गई, अब हमें नहीं मिलेगी। तो हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 16,000 लेंगे, 20,000 नहीं लेंगे। जब भी हमारे पास कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शन हो एरियर्स में से, वो रिटर्न ऑफ हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो सब्सक्रिप्शन इज़ नो लॉन्गर रिसीवेबल, हमें नहीं मिलनी फ्यूचर में वो सब्सक्रिप्शन, उसे उसमें से उस आउटस्टैंडिंग में से हटा देंगे। ठीक है, तो हमारी एक्चुअली अपनी आउटस्टैंडिंग कितनी है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी, अब 16,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डेट वाइज, डेट वाइज मैं बहुत प्रेशराइज करी इस चीज़ को, डेट वाइज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस और सब्सक्रिप्शन मिल कितनी रही है, 2,10,000। पांच चीज़ें होनी चाहिए, रिटर्न ऑफ दे रखी है वो हो सकती है, अब ये जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है इसका ना 6,000 पिछले साल का, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पांच चीज़ें चाहिए डेट वाइज, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, कितना पैसा मिल रहा है सब्सक्रिप्शन के नाम से। अगर क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ दे रखी हो, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, तो उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसको उस साल के आउटस्टैंडिंग में से हटा देते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, अब बाय सब्सक्रिप्शन कितना पैसा मिल रहा है, 2,10,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, ओपनिंग एडवांस प्लस कर दिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 दिया था जिसमें से 4,000 हमारा रिटर्न ऑफ था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमने लेना है 16,000। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो माइनस करते हैं वो 16,000 माइनस करेंगे, 16,000 माइनस करेंगे, 20,000 माइनस नहीं करेंगे, 16,000 माइनस किया और जो क्लोजिंग एडवांस है वो माइनस कर दिया, 2,14,000 हमारा आंसर आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, अभी हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए सब्सक्रिप्शन के, अब हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए सब्सक्रिप्शन के, बिल्कुल सिंपल थे, अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को दे ध्यान से, मतलब पहला केस डन, उस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। अब हमें सब्सक्रिप्शन निकालनी है, जो सब्सक्रिप्शन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन अलग तरीके की दे रखी है। किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में चीज़ लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अलग अलग तोड़ के लिखी हुई है। टोटल समझ लीजिए हमें पैसा मिल रहा है 1,37,000 सब्सक्रिप्शन का, हमें सब्सक्रिप्शन का 1,37,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसके अंदर 10,000 पिछले साल के हैं, 1,20,000 इस साल का है एंड 2019-20 आने वाले साल का 7,000 है। ठीक है, तो जो हमें पैसा मिल रहा है उसको तोड़ के लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है जी, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि हमारे 130 मेंबर्स हैं और हर मेंबर एनुअली सब्सक्रिप्शन दे रहा है 1,000। तो सिंपल है, यहाँ पर 130 को 1,000 से मल्टीप्लाई करो, 1,30,000 आ गया। इस 1,30,000 को हमने कहाँ लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो लिखना है वो 1,30,000 है, क्योंकि मेंबर्स एनुअली कितना सब्सक्रिप्शन देंगे, 1,000। तो हमारे एक साल की कितनी सब्सक्रिप्शन बनती है, 1,30,000। ठीक है, लेकिन हमें बैलेंस शीट्स में भी तो लिखनी होती है आउटस्टैंडिंग एडवांस, तो उसकी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, तो वो चीज़ ज़रा देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में हमारे पास 16,000 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी। अब आप क्वेश्चन अगर देख रहे हो, पूरे साल में आपको 1,37,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसमें से 10,000 पिछले साल का है ना, तो आप ये 2018-19 के लिए बना रहे हो ना, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 16,000 थी जिसमें से आपको 10,000 मिल गई। इसको इरेज करती हूँ। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी 16,000 थी जिसमें से 10,000 आपको इस साल मिल गई। तो अभी भी आपकी पिछले साल की कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है, 6,000। अभी क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको, अभी भी आपकी पिछले साल की कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है, 6,000, क्योंकि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 16,000 जिसमें से आपको इस साल 10,000 मिल गया। अभी भी आपकी पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, 6,000। ठीक है, आई थिंक मैं ये जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करती हूँ। पहले आप ये इस वीडियो में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ। ठीक है।